मुद्दे तो बहुत सारे हैं। क्या है बताइए, क्या एक एक क्या बताएंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं बताइए। और हम लोग जीत रहे हैं, ऐसे ऐसे योजना चल रही है, आप लोग तो सब देख ही रहे हैं ना, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में पूरे जो प्रखंड लेवल के जितने भी पदाधिकारी है गांव में बैठा दिया गया है, और विकास योजना जो है कि धरातल पर जा रही है। क्या कुछ होगा इस बार विधानसभा को लेकर, क्या कुछ रहेगा इस बार, मांग रहेगा विधानसभा में, क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सीएम नहीं जा रहे हैं ईडी कार्यालय, बोले सीएम। देखिए वो तो एक प्लानिंग है, टॉर्चर करने का प्लानिंग है, कौन कर रहा, कुछ नहीं, केंद्र कर रहा है और कौन कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, उसी के सारे पर काम हो रहा। आप देखे होंगे जब तक चुनाव था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उस वक्त एक महीना कोई सम्मन नहीं जारी किया, ठीक जैसे खत्म हुआ सम्मन जारी कर दिया, खाली टॉर्चर कर रहा, आदिवासी मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर रहा, और कोई बात नहीं। युवा लोग रोजगार के लिए टकटकी लगाए हैं, क्या कुछ रहेगा? हम लोग दे रहे हैं रोजगार, तो दे रहे हैं, इस बार उम्मीद की जा सकती है। जी जी हाँ, 32 तो हम लोग ला रहे हैं, लेकिन ये तो राज्यपाल के ऊपर है, माननीय राज्यपाल जी पहले पिछले बार घुमा दिए थे, इस बार भी हम लोग भेजेंगे, इसके बाद भी जो टेम्प्रोरी व्यवस्था है उससे हम लोग काम करेंगे। क्या इस बार संशोधन हुआ है? नहीं, वही जो है 1932 का वही जाएगा। मंत्री जी एक सवाल है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं पूरा पहाड़ बेच दिया आप लोग, और आप वन अधिकार कानून की बात कर रहे हैं आप लोग। कौन पहाड़ बेच दिया? पूरा पहाड़ खनन खनन करके पूरा बेच दिए आप लोग वन अधिकार कानून का, मैंने बेच दिए, लीगल बेचे ने अनलीगल बेचे, ये तो बीजेपी नियम बोलने दिए उनको। अभी जो नियम आ रहा है वो तो बहुत खतरनाक नियम है, उसमें आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सब आपको से लूट लेगा, पूंजीपतियों के लिए सब काम कर रहा है। कौन लेंगे, किसको देना है इस्तीफा? पूरे पूरे ले इस्तीफा, आके ले ले इस्तीफा। हाँ, इन लोगों का तो, इन लोगों का तो तानाशाही चल ही रहा है, भगोड़ा सीएम। इन लोगों को बता दे कि इन लोगों को अंदाजा नहीं है, ये लोग जैसे इस राज्य को लूटते रहे हैं, आज इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज इस राज्य की जनता को हक अधिकार मिल रहा है। अरे माननीय मुख्यमंत्री तो निरंतर दिन रात जनता के बीच है, विधानसभा में आ रहे हैं, सत्र में आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, जनता के बीच जाकर जनता को हक अधिकार दे रहे हैं। और इनको जब मौका दिया था, इनको जब जनता ने मौका दिया था, तो ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को गुजरात से, महाराष्ट्र से लाकर इस राज्य को लुटवाने का काम कर रहे थे, तो आज तो स्वाभाविक है कि इन्हें मिर्ची लगेगी, इन्हें पेट में दर्द होगा। इस्तीफा मांग रहा है लोग। कौन लोग मांग रहा है? मांग रहा है इस्तीफा। इतना इतना हो गया, कहाँ चल गया गुजरात के सब आदमी, बाहर में चल गया, हजार हजार करोड़ लेके, क्या क्या भारत सरकार क्यों नहीं ले सका? हजार हजार करोड़ लेके बाहर में चल गया, विदेश चल गया है, अभी तक नहीं 10 साल में वो लोग को आपस नहीं ला सका, सीएम नहीं जा रहे क्यों नहीं? हजार हजार करोड़ लेके निकल गया, विदेश में राज कर रहा है, क्यों नहीं ला सका है? क्योंकि दायित्व नहीं होता है केंद्र सरकार का, क्या दायित्व नहीं है क्या? हजार हजार करोड़ लेके चल गया है, सब गुजरात के है, क्यों नहीं ला सका विदेश से? ये लोग कह रहे वो क्या नहीं आएगा मुद्दा? चलिए, अरे हम जो कहता है, हम जो बोलता है यही है, हम जो बोलते हैं क्यों हजार हजार करोड़ लेके निकल गया है विदेश में बैठा हुआ है, अभी तो क्यों नहीं ला सका? लेकिन मुख्यमंत्री बड़ा सवाल है कि नहीं है, मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है। हम जो बोलते हैं यो, मेरा जो आप लोग सुनिए, क्यों नहीं ला सका उनकी संपत्ति? ये जिम्मेवार है कि नहीं? क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है? भाजपा चाह रही है कि कब जाएंगे सीएम, उसका जवाब हम जो बोलते हैं हजार हजार को लेके विदेश चल गया, क्यों भारत सरकार नहीं ले सका है आज तक? पहले उसको लाए तब लाए ना, तब ना जवाब होगा, उसके आने के बाद सीएम जाएंगे ना? नहीं, क्यों नहीं? कौन बोलता है इस्तीफा का मगर, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है? तो हजार हजार को लेके विदेश में बैठ गया है,
ये क्या मुद्दा नहीं है क्या? लेकिन मुख्यमंत्री का ईडी में हम जो बोलते हैं यही है। आप उसको दीजिए ना, पहले पुराना वाला को पहले ये समाधान कीजिएगा ना। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।